खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रही है, जहां ग्राम पंचायत नंदगांव बटियान में मृत व्यक्ति के नाम पर आवास योजना की राशि स्वीकृत कर लाखों रुपए गमन करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नंदगांव बटियान निवासी हरिचरण यादव ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से पूरे मामले की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने बताया कि तत्कालीन सरपंच और सचिव ने टंटू पिता चुखरा साहू के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर 1,50,000 रुपए की राशि गबन कर ली है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने बताया कि सचिव और सरपंच ने लाखों रुपए की सरकारी राशि गबन की है। आपको बता दें कि सख्त इस पूरे मामले में जिला प्रशासन को राशि की वसूली के निर्देश दिए गए हैं। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कहा कि निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। जांच कराते हैं, जांच के बाद उसमें और स्पष्टता निकल के आएगी। दल गठित करके हम जांच कराएंगे उसकी, ठीक है। कई मामले जन सुनवाई में बहुत आवेदन आते हैं, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पाता, तो ठीक है। हम सभी जितने भी आवेदन आए हैं जन सुनवाई के, सभी को दर्ज करके, ऑनलाइन दर्ज करके उनकी समीक्षा कराएंगे। कोई भी जैसे शिकायत प्राप्त हुएगी तो उसकी अपन विधिवत जन सुनवाई में पोर्टल में दर्ज करके जो संबंधित अधिकारी हैं उनको पत्र भी लिखेंगे और उसमें जांच करके कार्रवाई करेंगे। जांच में सामने आ जाए, फिर उसके बाद अपन उसको ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर मान लीजिए जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कठोर कार्रवाई। ये क्या नाम है आपका, क्या समस्या है और क्यों आए हैं आज जन सुनवाई में? सर, हमारा नाम हरिचरण यादव है, हम ग्राम पंचायत गवर्टन के निवासी हैं। हमारे गवर्टन में टंटू पिता चौहान साहब ग्राम प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। वो निवासी पड़ैया के, हमारे गाँव के निवासी नहीं है। हमारे यहाँ के पंचायत सचिव और सेक्रेटरी के द्वारा स्वीकृत राशि 1,50,000 पास की गई, जिसके बाद वो व्यक्ति खत्म हो गया। उसकी अन्य व्यक्ति का खाता नंबर डाल के और दूसरे व्यक्ति के मतलब सरपंच के मकान की फोटो डाल के 1,50,000 की राशि निकाल ली गई। जहाँ हम लोगों ने पता लगा, उसे हम लोगों ने शिकायत की, उसे जाँच गई। जाँच में सी ओ मैडम ने जाँच कराई। जाँच के बाद अब मैडम लोग वे लोग खर्च पानी दे देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। फिर हमने उसके बाद उसी की कॉपी हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। हाईकोर्ट से आदेश हुआ है कि कार्रवाई के लिए, फिर हम आज सीमन कलेक्टर पहुँचे कि हाँ आवेदन देने के लिए आए हैं। हमने कहा हम कार्रवाई करते हैं। इसी तरीके से 14,84,000 खेत तलाक स्वीकृत हुआ था। 14,84,000 उन्होंने 9,00,000 रुपये निकाला है। कुल में 7 घंटा मशीन चली जी इसी नाली वक्त होगी और खेत तलाक पूरा नहीं हुआ। फिर हम उन लोगों की कंप्लेन की, उसकी जाँच कराएगी। जो हमारे यहाँ पर वो सी मैडम और उपयंत्री है हमारे यहाँ पर बी के संज्ञा, उनसे बात की, इन लोगों से बात की। सुबह क्या हमने मूल्यांकन नहीं कहा, रोजगार सहायक ना और सेक्रेटरी ने उनका फायदा उनके अपने हाथ से उनका मूल्यांकन कर दिया है, उनके साइन कर दिए। उसकी हमको एमडी दे दी कि 5,84,000, जबकि नाली बात खुदी है 9,74,000 रुपये निकाल लीजिए। 14,00,000 से हमारा कहा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमने श्रीमान कलेक्टर साहब के यहाँ कई बार की शिकायत की, SDM साहब की भी, जनपद CEO सभी की शिकायत की। आप देख लेते हैं, आवेदन लोग आते हैं, खर्चा पानी दे दी सर।